हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग 29 जून 2020 के करंट अफेयर को देखने जा रहे हैं, जो कि बेस्ट होकर डिफरेंट न्यूज़ पेपर से। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला न्यूज़ यहाँ पे है कि 86% जमीन मनरेगा डिमांड डिस्ट्रिक्ट एमंग माइग्रेंट रिटर्न टू। तो कहा जा रहा है कि जहाँ पे माइग्रेंट रिटर्न हुए हैं ना, मतलब अपने ओरिजिनल स्थान से जहाँ पे रिटर्न हुए माइग्रेंट, वहाँ पे देखा जा रहा है मनरेगा का डिमांड काफ़ी ज़्यादा, मतलब मजदूर की संख्या काफ़ी बढ़ गया है, लोग जॉब का डिमांड कर रहे हैं। तो मनरेगा के तहत होता क्या है कि 100 डेज का है ना, 100 दिन का अनस्किल्ड सेक्टर में, याद रखिएगा, अनस्किल्ड सेक्टर में जॉब दिया जाता है, ठीक है। 100 डे का जॉब दिया जाता है, अनस्किल्ड सेक्टर में दिया जाता है। और इसके लिए एक प्राइस तय है कि आपको एक दिन में इतना मजदूरी मिलेगा। सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर तय करती है, मतलब सेंटर का एक मिनिमम प्राइस दिया जाता है, स्टेट चाहे तो उससे ज़्यादा भी दे सकती है, लेकिन मिनिमम जो सेंटर प्रेस्क्राइब किया है उतना देना पड़ता है, ठीक है। तो 100 डे के लिए जॉब मिलता है आपका, मतलब जो जॉब चाहता है उसका एज 18+ होना चाहिए। और याद रखिए, अनस्किल्ड सेक्टर में दिया जाता है। इसके तहत टारगेट ये किया जाता है कि कोई एसेट क्रिएट करवाया जाए या फिर कोई रिसोर्स क्रिएट करवाया जाए, ठीक है, जैसे तालाब बनवाया जाता है, रोड बनवाया जाता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तहत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तहत आता है। और 2006 में आया था मनरेगा एक्ट, लेकिन 2005 का है मनरेगा एक्ट 2005, ठीक है। मनरेगा एक्ट नरेगा एक्ट एक्चुअली था, बाद में इसको महात्मा गांधी के नाम पर 2008 में किया गया था, ठीक है। तो नरेगा एक्ट जो है 2005 का एक्ट है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट किया 2006 में। तो ये याद रखिएगा नरेगा के बारे में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक और न्यूज़ था कि जो फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन रामविलास पासवान, ये अपने ऑफिसर को डायरेक्ट किए हैं कि ध्यान रहे कि मेड इन चाइना प्रोडक्ट नहीं खरीदा जाए गवर्नमेंट पोर्टल के थ्रू, ठीक है। यदि गवर्नमेंट कोई सामान खरीदती है, कोई भी चीज़ खरीदती है, तो वहाँ पर मेड इन चाइना ऑब्जेक्ट नहीं खरीदा जाए, ये ध्यान दीजिए। तो ऐसा कहा गया इनके द्वारा, ठीक है। कुछ दिन पहले रेलवे के द्वारा भी ऐसा कहा गया था। नेक्स्ट यहाँ पे एक इमेज में, यहाँ पे एक नेशनल पार्क मेंशन था, काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। तो याद रखिए काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, देख सकते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क जो है असम में है। और यहाँ पे टर्म मेंशन है हर्ड इम्यूनिटी, तो हम लोग हर्ड इम्यूनिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। हर्ड इम्यूनिटी एक्चुअली होता क्या है कि जैसे किसी भी बीमारी के लिए जो एक आदमी से दूसरे आदमी फैलता है, जैसे एग्जाम्पल के देख लीजिए कोरोना वायरस को ही, जो एक आदमी से दूसरे आदमी फैलता है, तो एक्चुअली इसमें किया गया था हर्ड इम्यूनिटी में, इसमें लोगों को बस छोड़, जैसे एज यूजुअल चल रहा था काम, उस तरीके से छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे छोड़ने से होगा क्या, ज़्यादा लोग जो है प्रभावित होंगे कोरोना वायरस से, तो जो एक बार प्रभावित हो जाएंगे उनको दोबारा, मतलब कि फिर कोरोना वायरस पकड़ने का चांस काफ़ी कम होता है, तो उनके अंदर एक इम्यूनिटी आ जाएगा, है ना। और इस तरीके से देखते देखते लगभग सारे लोगों के अंदर इम्यूनिटी आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे एक्चुअली होता क्या है कि आदमी जिस तरीके के माहौल में रहता है उसके अंदर उस तरीके का इम्यूनिटी पहले से बनने लगता है। तो यदि आसपास बहुत सारे मरीज रहेंगे कोरोना वायरस के, तो उससे क्या होगा कि जो, मतलब कि जो आदमी हेल्दी है उसके अंदर पहले से ही हर्ड इम्यूनिटी बनेगा, इसलिए इसका नाम है हर्ड इम्यूनिटी, मतलब कि चारों तरफ के झुंड के कारण उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप होगा, ठीक है। तो यूके के द्वारा, हालांकि यूके जो यूनाइटेड किंगडम है उसके द्वारा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हर्ड इम्यूनिटी चालू किया गया था, लेकिन वहाँ पर कारगर साबित नहीं हुआ, ठीक है। तो इसलिए हर्ड इम्यूनिटी का यूज ज़्यादा कंट्री के द्वारा नहीं किया गया, लेकिन अधिकांशतः बीमारी में हर्ड इम्यूनिटी यूज किया जाता है। गवर्नमेंट वहाँ पर कोई स्टेप नहीं लेती है, कोई लॉकडाउन जैसा सिचुएशन नहीं लेती है, और लोग अपने आप अडॉप्ट कर लेते हैं उस चीज़ को, और अपने आप को इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग हो जाता है, तो इसलिए उसको हार्ड इम्यूनिटी बोला जाता है, याद रखिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट, आनंदीबेन पटेल गिवन चार्जेज ऑफ एमपी। तो जैसे कि आनंदीबेन पटेल जो थी अभी उत्तर प्रदेश की गवर्नर थी, ठीक है, इसके पहले उत्तर प्रदेश के गवर्नर के पहले गुजरात के सीएम भी रही थी, ठीक है। गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी जी के हटने के बाद यही बनी थी आनंदीबेन पटेल, तभी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के भी गवर्नर थे, लेकिन इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है मध्य प्रदेश का भी, ठीक है, मध्य प्रदेश का दिया गया है। और मध्य प्रदेश के पहले से गवर्नर कौन थे, तो अभी भी गवर्नर ही लालजी टंडन ही है, ठीक है, लेकिन अभी वो छुट्टी पे हैं, वो लीव पे हैं, अभी देख सकते हैं कि ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑन लीव ऑफ लालजी टंडन, तो लालजी टंडन अभी लीव पे हैं, इसलिए जो है जो उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल, उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है मध्य प्रदेश का, ठीक है, एडिशनल चार्ज दिया गया, याद रखिएगा। तो गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, तो गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। आर्टिकल 155 में मेंशन किया गया, आर्टिकल 155 में मेंशन किया गया 155 कि हर एक स्टेट का गवर्नर होगा, और स्टेट जो है, मतलब कि गवर्नर अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। तो याद रखिएगा गवर्नर जो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है आर्टिकल 155 के तहत। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गवर्नर के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, बस ये बताया कि मिनिमम एज 35 ईयर होगा, ठीक है। तो गवर्नर के लिए मिनिमम एज 35 ईयर है। गवर्नर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा विवादित पोस्ट है, काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूटेड पोस्ट है, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कमीशन भी सेटअप किया गया, बहुत सारा कमीशन सेटअप किया गया इसको लेकर के। तो जैसा कि बहुत सारे कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर एक कॉन्सेंसस बन गया, बोल सकते हैं कि एक लिखित अलिखित परंपरा बन गया है, ऐसा कहीं लिखा नहीं गया है कि कोई भी आदमी अपने स्टेट का गवर्नर नहीं बन सकता, अपने स्टेट का गवर्नर नहीं बन सकता, कहने का मतलब
कि जैसे आदमी कोई यूपी का है तो यूपी का गवर्नर नहीं बन सकता, बाकी दूसरे स्टेट का गवर्नर बन सकता है। जैसे आनंदीबेन पटेल गुजरात से आते हैं तो गुजरात की गवर्नर नहीं बन सकती है, बाकी दूसरे स्टेट सारे स्टेट की बन सकती है। ठीक है, गवर्नर के लिए यह भी कहा गया है कि गवर्नर एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो पिछले कुछ सालों से, मतलब कि 3-4 सालों से, ठीक है, ऐसा कि ईयर तो मेंशन नहीं किया गया, बस लिखा गया पिछले कुछ सालों से पॉलिटिकली इनएक्टिव हो। इनएक्टिव का मतलब होता है कि पॉलिटिक्स में कोई हिस्सा नहीं ली हो। ठीक है, गवर्नर एक्चुअली पॉलिटिकल पोस्ट तो है ही नहीं, ऐसा बोला जाता है कि गवर्नर एक पॉलिटिकल पोस्ट नहीं, इस पर नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति को अपॉइंट करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करती है पॉलिटिकल आदमी को। जैसे आनंदीबेन पटेल पॉलिटिकल आदमी थे, पहले सीएम रह चुकी हैं, तो कहा जाता है कि जो कम से कम पिछले 3-4 सालों से पॉलिटिकल इनएक्टिव हो, मतलब पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं ले रही हो, इलेक्शन वगैरह नहीं लड़ रही हो, है ना, तो ऐसे लोगों को गवर्नर अपॉइंट करना चाहिए। ठीक है, तो और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं एडिशनल चार्ज दिया गया, तो एडिशनल चार्ज दिया मतलब कि एक ही साथ 2 स्टेट का भी गवर्नर बनाया जा सकता है, 3 स्टेट का भी गवर्नर बनाया जा सकता है एक ही साथ। ठीक है, बहुत सारे गवर्नर 3 स्टेट के भी बन जाते हैं कभी कभी। तो ये कहाँ पे मेंशन किया गया, तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1956। ठीक है, 7वां संविधान संशोधन विधेयक आया था 1956 में, वहीं पे क्लियरली मेंशन किया गया है। और 7वां शुरू मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनल था, वहाँ पे मेंशन नहीं किया गया था कि एक ही गवर्नर, एक ही आदमी जो है 2 या 2 से अधिक स्टेट का गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत वहाँ पे एक प्रोविजन डाला गया कि एक ही आदमी 1 से अधिक स्टेट का गवर्नर बन सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ये वाला मतलब कि प्रोविजन किया गया है कि एक आदमी 2 स्टेट से गवर्नर बन सकता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे न्यूज़ की तरफ। तो नेक्स्ट यहाँ पे एक वाइज इंडिया प्रोड्यूसिंग लेस ऑयल। ठीक है, तो इंडिया जो है, इंडिया का ऑयल का प्रोडक्शन डोमेस्टिक ऑयल हमारे यहाँ मतलब कि इंडिया में भी बहुत सारे पेट्रोलियम का भंडार है, तो वहाँ से भी प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन जो भी वहाँ से प्रोड्यूस किया जाता था, लेकिन अभी वो घटता जा रहा है। तो क्या रीज़न है कि ऑयल प्रोडक्शन घटता जा रहा है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया। तो लिखा गया है कि जैसे इंडियाज क्रूड ऑयल प्रोडक्शन फेल 7.5% मई 2020 कम्पेयर टू द मई 2019। तो 2019 के मई के हिसाब से, ठीक है, इंडिया का जो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन है लगभग 7.1% नीचे गया है, 7.1% नीचे गिरा है। ठीक है, ऑयल का प्रोडक्शन जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि दिन पे दिन ये घटता ही जा रहा है। 2012 के हिसाब से देखा जाए तो हर साल एक कुछ ना कुछ घटा है। ठीक है, और 38 से लेकर 32 पे चला आया है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मई 2019 के मुकाबले मई 2020 में इंडिया का जो ऑयल प्रोडक्शन है, घरेलू ऑयल प्रोडक्शन है, 7.1% कम हुआ है। ठीक है, इसका एक रीज़न ये भी दे रहा है कि जो कोविड-19 के कारण डिमांड कम हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले बढ़ रहा था, पहले भी फेल कर रहा था। कोविड-19 तो 19 में आया है ना, 19 के लास्ट में, 20 के स्टार्टिंग में। ठीक है, ये 2012 से ही फेल कर रहा है। एनुअल क्रूड ऑयल प्रोडक्शन इज फॉलन एट कंपाउंड एनुअल रेट टू 2.1%। तो कहा जा रहा है कि कंपाउंड एनुअल रेट में 2.1% से देखा जाए तो इतना गिरा है ऑयल का प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पे जो भी है 1000 मेट्रिक टन में, TMT का मतलब होता है 1000 मेट्रिक टन, जैसा कि आप यहाँ पे यूनिट देख सकते हैं लिखा हुआ TMT है ना, इम्पोर्ट्स इन TMT, एक्सपोर्ट्स इन TMT, सॉरी डोमेस्टिक प्रोडक्शन इन TMT। तो 1000 मेट्रिक टन, इतना मेट्रिक टन का कमी हुआ है, मतलब कि यदि देखा जाए तो कंपाउंड में देखा जाए तो 2.1% का कमी हुआ है। आगे बढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है कि दिस लेड टू अ स्टेडी क्लाइम इन द प्रोपोर्शन ऑफ इम्पोर्ट। तो घरेलू प्रोडक्शन कमा है, इसलिए जो है इम्पोर्ट का प्रोडक्शन, मतलब कि इम्पोर्ट का प्रोपोर्शन बढ़ गया है, इम्पोर्ट ज़्यादा कराना पड़ रहा है। ठीक है, तो जो इम्पोर्ट 2012 में था 81.8%, मतलब कि हम लोग जो भी पेट्रोलियम यूज़ करते हैं उसका 81% इम्पोर्ट होता था, लगभग 82% है ना, अब जो है बढ़कर 87.6% हो चुका है, यानी कि इम्पोर्ट बढ़ गया है हमारा। नेक्स्ट है हाइज प्रोडक्शन फॉलिंग, तो प्रोडक्शन कम क्यों हो रहा है, इसका एक्सपर्ट लोग कहते हैं कि मोस्ट ऑफ इंडियाज क्रूड ऑयल प्रोडक्शन कम सम एजिंग वेल्स दैट है बिकम लेस प्रोडक्टिव। तो कहा जा रहा है कि हम लोग का जो वेल है, ऑयल वेल जो है, तेल का कुआं जो है, काफ़ी पुराना हो चुका है। सबसे पहला रीज़न ये है कि सबसे काफ़ी पुराना हो चुका है, जिसके कारण से लेस प्रोडक्टिव हो गए हैं। लैक ऑफ न्यू ऑयल डिस्कवरीज इन इंडिया, तो इंडिया में कहीं ज़्यादा नया ऑयल वेल का डिस्कवरी हो नहीं रहा है। कपल्ड विद अ लॉन्ग लीड टाइम टू बिगिन प्रोडक्शन फ्रॉम डिस्कवर्ड वेल लेड टू डिक्लाइन। तो कहा जा रहा है कि दोनों चीज़ यहाँ पे है, नया कोई वेल डिस्कवर नहीं हो रहा है, बस पुराना वाला जो है काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है, जिसके कारण से इंडिया का जो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन घटता गया है, मेकिंग इंडिया इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट। द आउटपुट ऑफ दीज एजिंग वेल्स इज डिक्लाइनिंग, जो कुआं पहले से है उसका जो आउटपुट है वो कम होता जा रहा है, फास्टर देन न्यू वेल्स कैम कम अप अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स। डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन कंपनीज आर ट्राइंग टू एक्सटेंड द लाइफ ऑफ करेंटली ऑपरेशन वेल। तो जो डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन कंपनी है, ठीक है, जो अभी जो कुआं ऑपरेशन में है उसी के लाइफ को बढ़ाने के बारे में सोच रही, कहने का मतलब है कि वो चाह रही है कि उसी कुआं से ज़्यादा दिन तक ऑयल निकाला जाए, तो उसके लिए क्या किया, ये तो लिमिट है ना, तो यदि हम इससे चाहते हैं कि ज़्यादा दिन तक तेल निकालें तो हम लोग को प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। तो कहा जा रहा है क्रूड ऑयल प्रोडक्शन इन इंडिया इज डोमिनेटेड बाय 2 मेजर स्टेट ऑन एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी ONGC एंड ऑयल इंडिया। तो कहा जा रहा है क्रूड ऑयल एक्सप्लोरेशन जो इंडिया में है, क्रूड ऑयल कहाँ कहाँ है इसको एक्सप्लोर करने का काम इंडिया में 2 कंपनी करती है,
ठीक है। और दोनों जो है स्टेट ओन्ड है, मतलब सरकारी कंपनी है। कौन कौन है? एक है ONGC, एक है ऑयल इंडिया। ONGC मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, एक है ऑयल इंडिया, ऑयल इंडिया लिमिटेड जिसको बोला जाता है। दिस कंपनी आर की बाइडर्स फॉर क्रूड ऑयल ब्लॉक ऑक्शन एंड इंड अप एक्वायरिंग मोस्ट ऑफ द ब्लॉक डेट पुट अप द ऑक्शन इंडिया अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट। तक यही दोनों कंपनी जो है इंडिया के ज़्यादा क्रूड ऑयल प्रोडक्शन मार्केट को कंट्रोल करती है। यदि कहीं बीडिंग होता भी है, मतलब नीलामी होता है किसी भी कुआं का, तो यही दोनों कंपनी इंडिया में ज़्यादातर जीतती है। व्हाई आर देयर नो मोर प्राइवेट प्लेयर? तो इसमें ज़्यादा प्राइवेट प्लेयर क्यों नहीं है, इसके बारे में कहा गया कि व्हाइल देयर आर सम प्राइवेट प्लेयर इन अपस्ट्रीम ऑयल सेक्टर इंक्लूडिंग कैर्न इंडिया, हिंदुस्तान एक्सप्रेस। कहा गया कि अपस्ट्रीम जो है, अपस्ट्रीम ऑयल सेक्टर, उसमें तो कुछ प्राइवेट प्लेयर है भी, देयर इज अ लैक ऑफ इंटरेस्ट इन एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन इन द इंडिया। तो कहा लेकिन एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन इंडिया में करना है, इसमें जो है प्राइवेट प्लेयर नहीं है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट दिस इज बिकॉज ऑफ लॉन्ग डिले इन ऑपरेशनल ऑफ प्रोडक्शन। तो कहा जा रहा है कि इसका रीजन क्या है, तो लॉन्ग डिले इन ऑपरेशनल ऑफ प्रोडक्शन इवन आफ्टर ब्लॉक इज अलॉटेड। तो इसका मेन रीजन कहा जाए कि जैसे मान लीजिए किसी प्राइवेट कंपनी को कोई तेल का कुआं अलॉट भी कर दिया कि हाँ आप उस कुएं से प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है, तो उसके बाद भी जो है ऑपरेशनल होने में उसको काफ़ी दिन लग जाता है, सरकारी काम इतना ज़्यादा यहाँ पे होता है इस कारण से, ठीक है। नेक्स्ट है कि द बेस्ट केस सिनेरियो फ्रॉम अलॉटमेंट टू प्रोडक्शन इज एट लीस्ट 5 to 7 ईयर। तो कहा जा रहा है कि जैसे जो सबसे बेस्ट सिनेरियो देखा गया है इंडिया में कि प्राइवेट कंपनी को जब तेल का कुआं सौंपा गया, उसे अलॉट किया गया, तो उसके करीब 5 से 7 साल के बाद प्रोडक्शन चालू होता है। तो कोई भी कंपनी इसलिए ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब कि गवर्नमेंट को अपना जो कागजी प्रोसेस है, जो पेपर प्रोसेस है, उसको कम करना पड़ेगा पेपर वर्क को। नेक्स्ट है व्हाट पॉलिसी कुड चेंज कुड हेल्प। तो क्या पॉलिसी रखना चाहिए इंडिया को जिससे मदद मिल सके इस स्थिति से उभरने में। तो एग्जिस्टिंग पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स हैव ऑल्सो आस्क फॉर रिड्यूस्ड लेवीज ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्शन इन ऑयल सेल्स। तो कहा जा रहा है कि जो अभी प्राइवेट प्लेयर हैं या फिर जो पब्लिक प्लेयर हैं, दोनों के द्वारा मांगा गया है, गवर्नमेंट से डिमांड किया गया है कि ऑयल प्रोडक्शन पर जो लेवी है, मतलब जो टैक्स है, ठीक है, जैसे ऑयल सेल्स रॉयल्टी, प्रॉफिट पेट्रोलियम स्पेशली इवन क्रूड ऑयल प्राइस आर बिलो 45 per barrel, तो ये सब जो है मतलब कि कम करना पड़ेगा, गवर्नमेंट का जो तेल पर टैक्स है उसको कम करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द ओपन एक्रीज लाइसेंसिंग प्रोग्राम। तो गवर्नमेंट का जो लाइसेंसिंग प्रोग्राम है उसको थोड़ा और ओपन करना पड़ेगा इन 2019 टू अलाउ कंपनीज टू कार्व आउट ब्लॉक्स दैट इंटरेस्टेड इन विद देयर लो रॉयल्टीज नो ऑयल सेल्स। जैसे कहा गवर्नमेंट के द्वारा एक OALP लाया गया था, ठीक है, OALP क्या है, तो ओपन एक्रीज लाइसेंसिंग प्रोग्राम, ठीक है, तो OALP लाया गया था जिसके तहत इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, 2019 में लाया गया था कि कोई कंपनी यदि कोई चाहे तो आप जिस ब्लॉक में, मतलब कि तेल के कुएं के जिस ब्लॉक में आप मतलब कि निकालना एक्सप्लोरेशन करना चाहते हैं वहां पे कर सकते हैं और आपके कोई ऑयल सेल्स नहीं लगा। हाउएवर एग्जिस्टिंग प्लेयर्स कॉलिंग फॉर रिलैक्सेशन ऑफ रॉयल्टीज एंड ऑल सेशन ब्लॉक अलॉटेड अंडर प्रीवियस पॉलिसीज। वन एक्सपर्ट पॉइंटेड आउट द चाइनीज गवर्नमेंट ऑफर्ड अ फ्लोर प्राइस टू ऑयल प्रोड्यूसर इंसुलेटिंग देम समवट फ्रॉम एनी शार्प फॉल इंटरनेशनल क्रूड प्राइस। कहा जा रहा है कि जैसे चाइनीज गवर्नमेंट, यहाँ बताया गया है एक्सपर्ट के द्वारा कि चाइनीज गवर्नमेंट जो ऑफर करते हैं अपने कंपनी को, चाइना का जो कंपनी है उसके द्वारा एक प्राइस डिटरमाइन किया गया है कि आपका मतलब जो प्रोडक्शन होगा आपको मिनिमम, जैसे हमारे यहाँ किसानों को MSP दिया गया है ना कि आपके यहाँ जैसे मान लीजिए धान होगा तो मिनिमम इतने प्राइस पे हम खरीद लेंगे, उसी तरीके से चाइना गवर्नमेंट के द्वारा एक एश्योरेंस दिया गया है अपने प्रोड्यूसर को कि आप तेल प्रोड्यूस कीजिए, आपको मिनिमम इतना, मतलब वहाँ पर एक तरह से बोल सकते हैं पेट्रोलियम पे MSP दे दिया गया है कि हम मिनिमम आपको इतना पैसा पे तेल खरीदेंगे, जिसके कारण से वो लोग को भय नहीं रहता है कि यदि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड प्राइस कम हो जाएगा तो हमारा भी प्राइस कम हो जाए, ठीक है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, यदि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड प्राइस कम होता है तो इंडिया में भी जो ऑयल का प्राइस कम हो जाता है। दिस काइंड ऑफ पॉलिसी एटलीस्ट अलाउ फॉर कंपनी टू हैव अ फिक्स्ड वर्स्ट केस सिनेरियो फॉर द सेल ऑफ क्रूड ऑयल, सेड एन एक्सपर्ट, ठीक है। तो यह था इस न्यूज़ से, आगे बढ़ते हैं। ED रजिस्टर 2 new cases अगेंस्ट एट विंसम डायमंड्स फॉर्मर प्रोमोटर। तो कहा जा रहा है कि ईडी के द्वारा केस रजिस्टर किया गया, तो हम लोग ईडी के बारे में पढ़ लेते हैं। ईडी का स्थापना हुआ था 1 मई 1956 को, ठीक है, 1956 को ईडी का स्थापना हुआ था। EU के रूप में हुआ था, उस समय इसका नाम ईडी नहीं था, इन्फोर्समेंट यूनिट उस समय उसका नाम था, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता था, ठीक है। लेकिन 1957 में इसका नाम बदल के EU से जहाँ पर ईडी कर दिया गया, ठीक है, 1957 में इसका नाम बदल के ईडी कर दिया गया। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है, और एक जो है मेनली इकोनॉमिक लॉ में डील करता है। अभी जो ईडी है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में आता है। ओरिजिनल जब ये बना था तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर आता था, अभी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आता है, ये भी याद रखिएगा। ये मेनली दो लॉ में डील करता है, एक है फेमा एक्ट 1999, फेमा एक्ट 1999 का, और एक है PMLA Act 2002, ठीक है, एक है PMLA Act 2002। PMLA Act यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, और फेमा एक्ट 1999 यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते तो यहाँ पे एक इमेज दिया गया जिसमें जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है शरद अरविंद बोबड़े है ना, उनके द्वारा यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरीके से वो बाइक चला रहे हैं, ठीक है। तो हमको उनके बाइक चलाने से नहीं मतलब है, हम लोग को यहाँ पे CJI के बारे में पढ़ लेना चाहिए कि CJI का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उनका नियुक्ति कैसे होता है।
उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक पे। तो सीजीए का अपॉइंटमेंट जो था कॉलेजियम के द्वारा, तो पहले तो इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, है ना, राष्ट्रपति के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है और शपथ ग्रहण भी लिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा ही दिया, मतलब कि इनको शपथ दिलाया जाता है और सीजीआई जो है राष्ट्रपति को शपथ देते हैं। ठीक है, सीजीआई को यदि रिजाइन करना है तो भी मतलब राष्ट्रपति को ही रिजिग्नेशन लेटर अपना देते हैं। तो सबसे पहले जो राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता था, तो राष्ट्रपति अपने मन से मतलब गवर्नमेंट की मदद से, ठीक है, राष्ट्रपति जो है किसी सीजीआई को अपॉइंट करती थी जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होता था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का सबसे सीनियर जज होता था, अधिकांश था उसी को सीजीआई अपॉइंट किया जाता था राष्ट्रपति के द्वारा। उस समय तक कोई ऐसा झगड़ा नहीं था कोर्ट और प्रेसिडेंट के बीच में। लेकिन फर्स्ट जज केस हुआ, ठीक है, 1982 में केस हुआ, ठीक है, जिसमें यह बताया गया, इसको हम लोग फर्स्ट जज केस के नाम से जानते हैं। 1982 में किसी को लेकर के केस हुआ जिसमें हम लोग मतलब इसको हम लोग फर्स्ट जज केस के नाम से जानते हैं 1982 के केस में। इसमें रिजल्ट आया कि कॉन्स्टिट्यूशन डजेंट मीन कंसल्टेशन डजेंट मीन कंकरेंस। ठीक है, तो इसमें बस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि राष्ट्रपति जो है जो अभी के सीजीआई हैं, ठीक है, अभी के जो सीजीआई हैं, सीजीए के अपॉइंटमेंट के बाद चल रहा है, तो जो अभी के सीजीआई हैं जो रिटायर होने वाले हैं, राष्ट्रपति उनसे कंसल्ट करेगा, उनसे नाम पूछेगा कि किसको अपॉइंट किया जाए सीजीआई, है ना। तो ये जो नाम यहाँ से बताया जाएगा कि हाँ इनको अपॉइंट कर दीजिए, तो राष्ट्रपति उसको मान भी सकता है, नहीं भी मान सकते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति उसको मतलब कि फॉलो कर सकते हैं कि हाँ सीजीआई जो नाम सुझाए उसी को हम सीजीआई बनाएं, या फिर राष्ट्रपति अपने हिसाब से भी किसी को सीजीआई बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अधिकांशता क्या होता है कि राष्ट्रपति उसी को सीजीआई बना देते थे। तो फर्स्ट जज केस में बस इतना ही हुआ, 1982 का फर्स्ट जज केस था, जिसे बताया कि कंसल्टेशन यानी कि प्रेसिडेंट का सीजीआई से कंसल्टेशन डजेंट मीन कंकरेंस, यानी कि उससे राजी होना। कंसल्टेशन का मतलब ये नहीं कि प्रेसिडेंट जो है उसके विचार से राजी हो, उसके विचार से सहमत हो सीजीआई के विचार से। लेकिन सेकंड जज केस हुआ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सेकंड जज केस हुआ 1993 में सेकंड जज केस हुआ है, ठीक है, जिसमें बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि नहीं कंसल्टेशन मींस कंकरेंस। ठीक है, कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस है, यानी कि आप सीजीआई से कंसल्ट कर रहे हैं, इसका मतलब वो सीजीआई के विचारों से सहमत होना पड़ेगा। ठीक है, और यहीं पे आया कॉलेजियम। कॉलेजियम में पहले क्या थे, तीन जज होते थे, एक सीजीआई प्लस दो सीनियर मोस्ट जज। ठीक है, तो तीन जज मिलाकर एक कॉलेजियम बनाते थे, ग्रुप बनाते थे, जिसको कॉलेजियम बोला जाता है, और यही तीनों मिलकर के एक नाम देते थे राष्ट्रपति को कि आप इसको सीजीआई बना दीजिए। राष्ट्रपति इसको बना सकते थे सीजीआई, लेकिन इनके पास पावर है कि एक बार दोबारा भेज सकते हैं कॉलेजियम को। कॉलेजियम को बोल सकते हैं कि आप दोबारा सोच लीजिए, है ना, कि इन्हीं को बनाना है ना। तो जब कॉलेजियम दोबारा भेज दे उसी नाम को, तो राष्ट्रपति फिर मतलब रिटर्न नहीं कर सकते, राष्ट्रपति को सीजीआई बनाना ही होगा उसको। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट जज केस आया 1993 में। उसके बाद आता है थर्ड जज केस 1998 में। ठीक है, 1998 में थर्ड जज केस आता है, जहाँ पे ये हुआ कि कॉलेजियम को बढ़ाया गया, एक्सपेंड किया गया। जैसे अभी प्लस वन प्लस टू था, सीजीआई प्लस दो और सीनियर मोस्ट जज, तब बोले कॉलेजियम में पांच जज होंगे। ठीक है, वन तो सीजीआई तो रहेंगे ही कॉलेजियम के हिसाब, प्लस चार और जो सीनियर मोस्ट जज होंगे सीजीआई के बाद, है ना, तो यही पांचों आदमी मिल करके तय करेंगे कि अगला सीजीआई कौन होगा। राष्ट्रपति को भेजेंगे, राष्ट्रपति को यदि नहीं माने बनाने का तो रिटर्न करेंगे एक बार, दोबारा यदि उसी नाम को भेज दिया गया कॉलेजियम के द्वारा तो उनको बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, ये था सीजीआई के अपॉइंटमेंट के बारे में। ठीक है, ये हमारे 45th सीजीआई हैं शायद, आप कौन से नंबर के हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम अभी कंफर्म नहीं बोल सकते, लेकिन हमको जैसा लग रहा है, जहाँ तक याद है, कि 45th सीजीआई हैं। ठीक है, इनका नाम शरद अरविंद बोबड़े हैं, महाराष्ट्र से आते हैं। तो यहाँ पे दिखाया है, कल नागपुर का जो राजभवन है वहाँ गए थे। ठीक है, राजभवन में गए थे नागपुर में, और इनका घर भी नागपुर में ही पड़ता है, तो वहीं पर बाइक यहाँ पर कुछ दिन पहले इनको बाइक चलाते हुए, आई थिंक एक साल पहले बाइक चलाते हुए इनका पैर भी टूट गया था, इसी बाइक को सीखते समय। और काफ़ी बाइक के शौकीन आदमी भी हैं, जैसा कि न्यूज़ से लगता है, मतलब कि कई बार इनको बाइक से न्यूज, मतलब कि बाइक के ऊपर न्यूज़ में फोटो आया इस तरीके से। हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में जान लेते हैं भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई अपॉइंट हुए हैं, मतलब सीजीआई तो सुप्रीम कोर्ट के ही होते हैं, तो इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में जान लेते हैं, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट पहली बार इंडिया में एस्टेब्लिश किया गया था 1773 में। ठीक है, 1773 में, 1773 में सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था। एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था, यदि आप पॉलिटी पढ़े हो या फिर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े हो, तो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसी के तहत सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था कोलकाता में, न्यू दिल्ली में नहीं बल्कि कलकत्ता में, या कोलकाता जो भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, कोलकाता में इस्टेब्लिश किया गया था सुप्रीम कोर्ट 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। उसको यह बोला गया था कि आपका जुडिशियरी एरिया है बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ठीक है, तो जो बंगाल बिहार उड़ीसा का एरिया था, ठीक है, तो उस एरिया को गवर्न करते थे 1773 का जो सुप्रीम कोर्ट था। उसके बाद मद्रास में उसी तरह का सुप्रीम कोर्ट बनाया गया 1800 में, उसका भी नाम सुप्रीम कोर्ट ही था। ठीक है, कोलकाता में जो बनाया गया था कोर्ट उसका नाम सुप्रीम कोर्ट था, 1800 में मद्रास में बनाया गया उसका नाम सुप्रीम कोर्ट था। उसके बाद 1823 में, 1823 में बॉम्बे में बनाया गया उसका भी नाम सुप्रीम कोर्ट था। ठीक है,
लेकिन 1858 में जो है इंडिया का जो शासन जो है कंपनी से ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन करके चला जाता है ब्रिटिश क्राउन में। तो ब्रिटिश क्राउन में 1858 जब शासन चला गया तो उसके बाद 1861 में एक एक्ट आता है, 1861 में एक एक्ट आता है जिसके तहत कहा जाता है कि जो भी अब तक सुप्रीम कोर्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया था कोलकाता में, मद्रास में और बॉम्बे में, वो सब हाईकोर्ट हो गए। और जहाँ हाईकोर्ट नहीं है हर एक प्रोविंस में हाईकोर्ट बनाया जाए। तो इसी अभी भी हाईकोर्ट एक्ट 1861 का ही, अभी कहीं नया हाईकोर्ट अपॉइंट होता है तब देखिएगा लिखा रहेगा अकॉर्डिंग टू हाईकोर्ट एक्ट 1861। ठीक है, तो हाईकोर्ट एक्ट 1861 में आया था, उसके तहत कई जगह हाईकोर्ट अपॉइंट किए गए, जहाँ हाईकोर्ट नहीं था वहाँ अपॉइंट भी हाईकोर्ट बनाया गया। और उसके बाद फिर आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, जिसमें बोला गया कि जो हाईकोर्ट है तो हाईकोर्ट रहेगा। पहले हाईकोर्ट मैक्सिमम कोर्ट ऑफ अपील होता था, याद रखिएगा हाईकोर्ट ही मैक्सिमम कोर्ट ऑफ अपील होता था, मतलब कि जो बॉम्बे हाईकोर्ट का डिसीजन हो गया उसके ऊपर दिल्ली में कोई कोर्ट ही नहीं था इस तरीके का। तो हर एक स्टेट में एक हाईकोर्ट बनाया गया और हाईकोर्ट कहीं बोला गया कि आप मैक्सिमम कोर्ट ऑफ अपील हैं। ठीक है, तो लेकिन 1935 में जो एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यहाँ पे फेडरल कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया था, जैसा कि आपको पता होगा यदि आप पढ़े होंगे पॉलिटी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जब आया था तो वहाँ पे फेडरल कैरेक्टर इंडिया में डाला गया कि जो स्टेट है उसके ऊपर एक सेंटर रहेगा। ठीक है, तो इसी के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1935 में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया और जो हाईकोर्ट का अपील यहाँ पर लिया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट का अपील जो है इंग्लैंड में किया जाता है, लंदन का जो क्वीन का काउंसिल था वहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट के मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज किया जाता था। ठीक है, तो जो पहले हाईकोर्ट जो होता था मैक्सिमम कोर्ट ऑफ अपील होता था उसके ऊपर अब दो कोर्ट हो गए, एक तो सुप्रीम कोर्ट है, एक ऊपर में लंदन में जो कोर्ट हो गए। तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट का देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अभी 35 जज होते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में अभी 35 जज होते हैं और सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ था 1 अक्टूबर 1937 को, जैसा कि बताएं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के तहत इसका स्थापना हुआ था। तो 1 अक्टूबर 1937 को इसका स्थापना हुआ था, लेकिन उस समय इसका नाम था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, उस समय इसका नाम था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। अभी इसमें 35 जज हैं, लेकिन ओरिजिनल संविधान था उसमें बताया गया था कि 1+7 जज होंगे, 1+7 जज यानी कि 8 जज होंगे, 1 CJI + 7 अदर जज। अभी जो है 1+34 है, मतलब 1 CJI + 34 अदर जज। और 1 अक्टूबर 1937 को इसका स्थापना हुआ था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में, लेकिन 28 जनवरी 1950 संविधान लागू होने के दो दिन बाद 28 जनवरी 1950 का इसका नाम बदल के सुप्रीम कोर्ट कर दिया गया। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा पार्ट फाइव में आता है, हमारे संविधान के पार्ट फाइव में आता है, जैसे पार्ट थ्री में है ना फंडामेंटल राइट, पार्ट फोर में है DPSP, पार्ट फोर ए में है फंडामेंटल ड्यूटी, उसी तरह से पार्ट फाइव में है इसमें डील करता है, यूनियन एग्जीक्यूटिव से एक्चुअली डील करता है। तो उसी में पार्ट फाइव के आर्टिकल 124 से 147 तक 124 से लेकर 147 तक, आर्टिकल 124 से 147 तक पार्ट फाइव में सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है। ठीक है, तो यह था सुप्रीम कोर्ट के बारे में सब कुछ। इसी के साथ आज का न्यू डिस्कशन समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।